हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचीफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेब्रुवरी मार्च करंट अफेयर की सीरीज को, जिसमें आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं फेब्रुवरी मंथ के करंट अफेयर्स को। सो आज के जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं उनमें दो तरीके से आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ फेब्रुवरी मंथ को। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को। सो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, उसके साथ कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं बुलेट न्यूज़ को। सो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा बुलेट न्यूज़। सो उस बुलेट न्यूज़ का मतलब ये होता है कि क्विकली हम जो फेब्रुवरी मंथ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका जो तरीका भी हमने आप लोगों के लिए लाया है वो कुछ नया ही तरीका है। तो जब आप सेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए आपको सेशन को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। सो अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आता है तो आने वाले मंथ में भी हम इसी तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर के सेशन प्रोवाइड करेंगे। सो आज का फेब्रुवरी मंथ का, आने वाले जल्दी एक दो दिनों में आप लोगों को मार्च का भी प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इसी के साथ हमारा फेब मार्च का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने जनवरी मंथ के भी करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड किया, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो आप वो जाकर देख सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, एंड उसका जो ईबुक है वो कुछ वैके एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ BCCC, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, बाय IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गीता मित्तल, जो कि पहली वीमेन है BCCC की चेयरपर्सन वो बनी है, और इनको अपॉइंट किया गया बाय IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन एनुअल स्टार्टअप इनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, येस बैंक। सो हमें ये पूछा गया था कि इनमें से किसने लॉन्च किया है एनुअल स्टार्टअप इनेबलर प्रोग्राम जिसका नाम है एग्री इन्फिनिटी, तो वो है येस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जियो प्लेटफॉर्म हैज पिक्ड अप हाउ मच परसेंट स्टेक इन US बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप कंपनी टू प्लेटफॉर्म्स फॉर $15 million। आंसर हो जाएगा 25% स्टेक। सो जियो प्लेटफॉर्म ने 25% स्टेक लिया है टू प्लेटफॉर्म्स का, जो कि एक US बेस्ड टेक स्टार्टअप है $15 million रुपीज़ में। सो 25% आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज पेंड अ शॉर्ट बायोग्राफी टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। सो नवदीप सिंह गिल जो है उन्होंने, वो इस बुक के जो है ऑथर है, जिन्होंने नीरज चोपड़ा पर ये बुक जो है उनकी बायोग्राफी पे ये बुक बनाई है, जिस बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। सो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंटली रिलीज्ड बुक है, मतलब कि 2022 की ये बुक्स है, आप देख सकते हो। सबसे पहले द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जिसके ऑथर है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जिसके ऑथर है चंद्रचूर घोष। नेक्स्ट है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, इसके जो ऑथर है वो है त्रिपुर दमन सिंह एंड आदिल हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस, जिसकी ऑथर है किरण बेदी। देन नेक्स्ट इज द क्लास ऑफ 2006 स्निक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, जिसके ऑथर है आकाश कंसाली। नेक्स्ट है अथर्वा द ओरिजिन, इस बुक के ऑथर है रमेश थमिल मणि। ये जो बुक है अथर्वा द ओरिजिन, ये धोनी MS धोनी जो है उनके ऊपर बनाई गई ये ग्राफिक नॉवेल है। ठीक है, उसके बाद है द ग्रेट टेक गेम, जिसके ऑथर है अनिरुद्ध सूरी एंड अटल बिहारी वाजपेयी के ऑथर है सागरिका घोष। सो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो रिसेंटली रिलीज हुई है 2022 में, जो कि आपको ध्यान में रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाइड अप द फिनटेक आर्म ऑफ मेक माई ट्रिप मनी टू लॉन्च रूपी डिनोमिनेटेड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इन February 2022। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। सो ट्रिप मनी ने जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के साथ जो है
पार्टनरशिप किया है जिसके तहत वो रूपी डिनोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड, ये लॉन्च करेगा। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि ट्रिप मनी ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया है जिसके तहत क्या लॉन्च होने वाला है, ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस का जो हेडक्वार्टर है वो पोर्टलीज में है एंड जो ये बैंक फाउंड हुआ था वो होता 1973 में। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लता मंगेशकर पास्ड अवे इन फरवरी 2022, शी वाज बेस्टॉ विद भारत रत्न इन विच ईयर, आंसर हो जाएगा 2001। सो इन्हें कौन से साल में भारत रत्न दिया गया था ये पूछा जा रहा है, 2001 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण भी से भी नवाजा गया है। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट जो पेज है उस पर कुछ रिसेंट ओबिचुरीज हुई है वो मेंशन की है। सबसे पहला है उड़ीसाज फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमनंदा बिस्वाल पास्ड अवे, मतलब सबसे पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, उनका रिसेंटली निधन हुआ है, हेमनंदा बिस्वाल। नेक्स्ट है लेजेंडरी वेस्ट इंडीज स्पिनर सोनी रामदिन पास्ड अवे, सो ये वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे सोनी रामदिन जिनका निधन हुआ है। मैंने जो हाईलाइट पोर्शन किया है एग्जाम में उसी टाइप में पूछा जाता है, आप लोगों को नाम दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो भी ग्रीन पोर्शन है वो आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना होगा। देन है कनाडा पोएट जिनका नाम है चिन्नवीरा कानवी पास्ड अवे, सो ये कनाडा की पोएट है चिन्नवीरा कानवी जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। रिनाउंड बंगाली सिंगर संध्या मुखोपाध्याय पास्ड अवे, सो संध्या मुखोपाध्याय जो है ये एक बंगाली सिंगर है। नेक्स्ट है इंडियन फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता पास्ड अवे, सो इंडियन फुटबॉलर है सुरजीत सेन गुप्ता जिनका निधन हुआ। उसके बाद है सीनियर जर्नलिस्ट रवीश तिवारी पास्ड अवे, ये जर्नलिस्ट है रवीश तिवारी। एंड उसके बाद है गांधीयन लीडर एंड एमिनेंट सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी पास्ड अवे, ठीक है, सो ये गांधीयन लीडर थी एंड एक ये सोशल वर्कर थी शकुंतला चौधरी जिनका निधन हुआ है। सो ये कुछ ओबिचुरीज है वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं ये स्पेसिफिकली ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द सेंटर इज सेट टू लॉन्च अ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट विल डिलीवर अ क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, सो किस पॉलिसी के तहत जो है इंश्योरेंस पॉलिसी जो है घर तक फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, सो वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसके तहत जो है फार्मर्स लोगों को घर तक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सेंटर ने ये लॉन्च किया है ये डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट इन फरवरी 2022, इन विच कंट्री वॉज अ समिट ऑर्गेनाइज, सो वन ओशन समिट कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई ये हमें पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में ये समिट हुई थी फ्रॉम 9 to 11 February। ओके, जिसमें पीएम मोदी जी जो है उन्होंने एड्रेस क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैव रिसीव्ड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी होम अंडर हर घर जल जल जीवन मिशन, सो कितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के जहाँ पे टैप वाटर सप्लाई जो है वो हर घर में प्रोवाइड किया गया है, किस स्कीम के तहत, किस मिशन के तहत, हर घर जल जल जीवन मिशन, इसके तहत जो है इंडिया की 100 डिस्ट्रिक्ट में जो है टैप वाटर जो है सप्लाई वो प्रोवाइड किया गया, दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट जो थी हिमाचल प्रदेश की वो 100 डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पर इस मिशन के द्वारा जो है जल प्रोवाइड किया गया, ठीक है, सो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बनी है। इसके अलावा काफ़ी सारी जो डिस्ट्रिक्ट है 100 आप देख सकते हो, वहाँ पर जल जीवन मिशन के द्वारा जो है टैप वाटर जो है हर घर में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कराया गया, ठीक है, सो कितनी डिस्ट्रिक्ट अगर पूछी गई तो वो हो जाएगी 100, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस अगर मिशन के द्वारा पूछा गया तो जल जीवन मिशन द्वारा ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो फर्स्ट लॉन्च मिशन 2022 वाज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल, सो इसरो ने फर्स्ट लॉन्च मिशन जो है 2022 का वो किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया, सो उस व्हीकल का नाम है PSLV C-52। अब PSLV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आंसर हो जाएगा, मतलब इसका फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सो इसके थ्रू जो है पहला सैटेलाइट जो है EOS-04
वो लॉन्च किया गया इस साल का, ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा EOS-04, ये जो सैटेलाइट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसको जो है लॉन्च किया गया। और कौन से सेंटर से इसे लॉन्च किया गया? सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट इन विच सिटी ऑन री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया। सो री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया, ये पहला ग्लोबल समिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। सो कौन से सिटी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। सो ये जो समिट हुआ, ये हुआ 15th and 16th of February, ओके। ये एक ऑनलाइन इवेंट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया है। एंड इसे इनॉग्रेट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जी किशन रेड्डी द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जियोलॉजिकल जो पार्क है वो कौन से सिटी में जो है अप्रूव किया गया बनाने के लिए? तो वो है जबलपुर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है जो कि सेटअप किया जा रहा है लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो ये आपको विलेज का नाम भी ध्यान में रखना होगा, लम्हेटा विलेज जो कि आती है मध्य प्रदेश में। आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, अगर स्टेट पूछा गया तो मध्य प्रदेश आंसर रहेगा, और विलेज पूछा गया तो लम्हेटा रहेगा, ओके। पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये, ठीक है, जिसके लिए जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूव किए वो है 35 करोड़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज नेम्ड एक्स कोबरा वॉरियर 2022। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम यूके। मतलब कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स कोबरा वॉरियर 2, जो कि होने वाली है यूके में, और यूके में भी कहां पर होने वाली है? वेडिंगटन में, ओके। सो ये होगी 6 to 27th of March के बीच में। सो इसमें इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस एक्सरसाइज का भी नाम पता होना चाहिए, कहां पर वो की जा रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंडियन नेवी का जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वजीर जो है, उसका फर्स्ट ट्रायल जो है, सी ट्रायल, वो कमेंस किया गया है, ओके। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स का जो LCA है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है, वो पार्टिसिपेट करने वाला है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो है तेजस, ओके। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंडिया विल होस्ट द डैश इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1983। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 2023। सो इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन, और ये 1983 के बाद पहली बार हो रहा है 2023 में कि इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है, ओके। सो वो कहाँ पर होस्ट होगा? मुंबई में। अब अगर इंडिया में भी पूछा गया कि कहाँ पर होगा वो सेशन, तो वो होने वाला है मुंबई में, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एट टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन टेरी। अब टेरी क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे ई का हमें फुल फॉर्म पूछा गया, तो वो हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इस समिट में जो है अपना उद्घाटन भाषण दिया था। सो इसमें हमें ये पूछा गया कि तेरी में ई का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है एनर्जी। एंड ये 21st एडिशन था, ठीक है। एंड इसका जो थीम था वो था टूवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लानट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, और ये जब ये हुआ था 16 to 18 February के बीच में, ओके। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 का जो था उसमें मोदी जी ने जो है डिलीवर किया था अपना भाषण, उसी के साथ साथ उसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो वो ध्यान में रखना है। और थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडिशन भी पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिशन था इस साल का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उसे एक्सटेंड किया गया है अप टू
कितने ईयर्स तक, मतलब कि कौन से साल तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, आंसर हो जाएगा मार्च 2026 तक। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए जो अमाउंट कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया एक्सटेंड करने के साथ साथ, 4600 करोड़ रुपीज़। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने 4600 रुपीज़ अलॉकेट किया इसके लिए और इसे 2026 तक जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, और इसको किसने किया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा इसे किया गया है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री टॉप द EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। सो इस आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नॉर्मे। इसके पहले का एक सेशन मैंने NHPC और बाकी सारी एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड किया था, तो उनमें मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था। सो उनमें मैंने ये सेम क्वेश्चन प्रोवाइड किया था आप लोगों को, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो वो सेशन जाकर देख सकते हो। उसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने उस सेशन में डिस्कस किए थे। जनरल अवेयरनेस का वो सेशन है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चंस कवर अप किए थे। 100+ क्वेश्चन का वो एक मैराथन है, अगर नहीं देखा होगा तो जाकर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो EIU में जो इंडिया का रैंक है वो 46th रैंक है एंड नॉर्वे ने यहाँ पर टॉप किया है। अगर उसका रैंकिंग का अगर स्कोर पूछा जाए तो इंडिया का स्कोर है 6.91 एंड नॉर्वे का जो स्कोर है वो 9.75। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये रैंकिंग जो रिसेंटली हुई है उसमें इंडिया का रैंक एंड टॉप रैंक क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फीफा रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक 104 है एंड इसमें टॉप किया है बेल्जियम ने। उसके बाद हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। सो करप्शन में इंडिया जो आता है वो 85th रैंक पर आता है, यहाँ पर टॉप किया है डेनमार्क ने एंड बॉटम पर आता है साउथ सूडान। नेक्स्ट है FIH हॉकी रैंकिंग जिसमें इंडिया का रैंक है इन मेन कैटेगरी 3rd एंड इन वुमेन कैटेगरी 9th एंड टॉप की अगर बात की जाए तो मेन कैटेगरी में आता है ऑस्ट्रेलिया एंड वुमेन में आता है नीदरलैंड। देन है UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसमें इंडिया का रैंक है 136। ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, इंपॉर्टेंट वन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हैप्पीनेस रिपोर्ट का रैंकिंग पूछा जाता है एंड टॉप पे जो है ऑलमोस्ट फिनलैंड ही होता है। सो टॉप रैंक फिनलैंड है, इंडिया का रैंक 136 है। देन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अगेन इंपॉर्टेंट वन है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जामिनेशन में, तो इंडिया का रैंक इसमें है 83rd। टॉप पर आता है जापान और बॉटम पर आता है अफगानिस्तान। ओके, सो ये कुछ रिसेंटली रैंकिंग जो है आई थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द टॉमटॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज इन फेब्रुअरी 2022 विच सिटी हैज बिन रैंक एज अ 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2021। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो टॉम 2021 का ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया इस साल 2022 में, सो ये पूछा जा रहा है कि 21 में जो है सबसे ज़्यादा 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी वर्ल्ड में कौन सा था। तो 5th की अगर बात की जाए वर्ल्ड में तो वो हमारा इंडिया का मुंबई था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि बेंगलुरु जो था उसका रैंक 10th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में आता है इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो आता है वो 11th रैंक करता है, पुणे जो है वो 21st रैंक करता है। सो ये हमारी कुछ मेट्रो सिटीज़ है जिसका आपको रैंकिंग ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मुंबई की बात की जाए तो 5th रैंक है, बेंगलुरु की बात की जाए तो 10th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है, दिल्ली की बात की जाए 11th है, पुणे की बात की जाए तो 21st है। ओके, और ये जो हुआ था ना ये 58 कंट्रीज़ जो थी वर्ल्ड की इनके बीच में से कराया गया और उसमें आती है 404 सिटीज़। सो आउट ऑफ 404 सिटीज़ जो ये रैंकिंग है मैंने आप लोगों को बताया। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए कि मोस्ट कंजेस्टेड सिटी कौन सा है, सो वो है इस्तांबुल जो टर्की में आता है, वो मोस्ट कंजेस्टेड सिटी जो है वर्ल्ड का ये घोषित किया गया है। एंड सेकेंड अगर बात की जाए तो वो है मॉस्को। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम हैज़ बिन सिलेक्टेड बाय द RBI फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इन फेब 2022। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब हुआ था, फ्रॉम 14th to 18th। अब हमें इसका थीम पूछा गया जो कि RBI ने क्या किया सिलेक्ट किया, सो वो था गो डिजिटल गो सिक्योर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन UP आर एडेड इन टू रामसार साइट, द टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट इन इंडिया हैज़ गॉन अप टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये दो रामसार साइट ऐड कर दी गई रामसार साइट में
तो अभी इंडिया में कितनी टोटल रामसार साइट हो गई है ये हमें पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा 49। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन अगेन मैंने प्रीवियस मैराथन जो आपको प्रोवाइड की उसमें मैंने बताया था, एंड उसी के साथ साथ मैंने आपको जो टोटल 49 रामसार साइट्स है उसका एक टेबल भी आप लोगों को मैंशन किया है उस सेशन में। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि खिचड़िया बर्ड सेंचुरी जो है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से स्टेट में आता है। सो वो आता है गुजरात स्टेट में, एंड अगर बखीरा की बात की जाए तो वो आता है यूपी में। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव साइन एंड MOU टू प्रमोट टूरिज्म। सो इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत वो टूरिज्म को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। सो इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल हैज वन बाई इंडिया रिसेंटली। सो कौन सा एडिशन जो था अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो कि इंडिया ने रिसेंटली जीता है वो है 14th एडिशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया ने जो है इंग्लैंड को हरा कर इस मेडल को जो है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड जो रिसेंटली न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैग्नस कार्लसन वन द टाटा स्टील मास्टर चेस 2022। सो इन्होंने टाटा स्टील मास्टर चेस जो है वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। इसके बाद आती है चेन्नई सुपर किंग बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज। नेक्स्ट है मिथाली राज सिक्योर सेकेंड रैंक इन ICC विमेन ODI रैंकिंग फॉर बैटर। सो मिथाली राज सिक्योर सेकेंड रैंक, नॉट फर्स्ट रैंक। सो सेकेंड रैंक में आती है मिथाली राज। इसके बाद है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी अप्रूव इंक्लूजन ऑफ सर्फिंग स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग इन 2028 ओलंपिक एट LA। सो LA में 2028 का जो है ओलंपिक होने वाला है उसमें सर्फिंग स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए जो है इंक्लूड किया जाएगा, इन न्यू स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये स्पोर्ट्स के नाम ध्यान में रखना है। 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है, LA में होने वाला है, ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेशन स्टोन लेड इन जयपुर। सो जयपुर में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो बनने वाला है। नेक्स्ट है इन विंटर ओलंपिक गेम 2022 नॉर्वे टॉप द मेडल टैली। सो विंटर ओलंपिक 2022 जो हुए उसमें नॉर्वे ने टॉप किया है इन मेडल टैली में। अगर मेडल्स को टैली की जाए तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा मेडल्स को जीता है। 16-year-old आर प्रगनंदा डिफिटेड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन एट एयरथिंग मास्टर्स। सो ये जो आर प्रगनंदा है हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, 16 years old है, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 जो मैग्नस कार्लसन है उनको एट एयरथिंग मास्टर्स में हराया है। नेक्स्ट है मीराबाई छानू वन गोल्ड इन सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 क्वालिफाइड फॉर CWG इन 55 kg कैटेगरी। सो मीराबाई छानू जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में। ठीक है, अब वो क्वालिफाई कर गई है CWG इन 55 kg कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है रफाल नडल वन मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022। सो रफाल नडल जो है उन्होंने मैक्सिकन टाइटल जीता है 2022 का। चाइना वन AFC विमेन एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट। सो चाइना ने जीता है AFC विमेन एशियन कप 2022 का। ठीक है, उसके बाद है अहमदाबाद IPL टीम टू बी कॉल्ड एज गुजरात टाइटन। सो अहमदाबाद की जो IPL टीम है उसे गुजरात टाइटन के नाम से जो है वो बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट विल बी शोकेसिंग इट्स फ्लाइंग स्किल एट द सिंगापुर एयर शो 2022। सो इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट जो है जो कि सिंगापुर का एयर शो है 2022 का उसमें जो है अपना फ्लाइंग स्किल जो है शो करेगा, तो वो है तेजस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये तेजस, जो कि सिंगापुर एयर शो जो है जो 15-18 February के बीच में हुआ वहां पर इसने क्या किया है, अपना जो स्किल्स थी उसने शो किए। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर विद द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू इंप्रूव एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है नीति आयोग। सो नीति आयोग ने जो पार्टनरशिप किया है वो US एजेंसी के साथ किया है जिसके तहत अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर को जो है वो इंप्रूव किया जाएगा। ओके, इस ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिडबी हैज लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन विच वुमेन विल मेक अ ऑर्नामेंट एंड शो पीसेस फ्रॉम फिश स्केल इन द सुंदरबन इन विच डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी साउथ 24 परांगनास। सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि सिडबी ने एक लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम जिसके तहत जो वुमेन है वो ऑर्नामेंट्स एंड शो पीसेस बनाएंगी फिश के स्केल से।
ठीक है, सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, साउथ 24 परांगनाज में। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में। कब फाउंड हुआ ये, 2 अप्रैल 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022 इन फरवरी 2022। आंसर हो जाएगा योहान पूनावाला। इन्हें जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2022 में। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बजट 2022-23 फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस अ न्यू स्कीम टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द स्कीम नेम्ड। सो बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने एक न्यू स्कीम जो है लॉन्च की नॉर्थ ईस्ट के लिए। सो स्कीम का नाम क्या है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए जो है लगाए गए हैं, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो ये स्कीम जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लाई गई स्कीम है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे कुछ बजट की हाइलाइट्स मेंशन है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, एक्सिस म्यूचुअल फंड लॉन्च, एक्सिस क्रेसल्स SDL 2027 डेबिट इंडेक्स फंड, टाटा ग्रुप चूज SBI BOB बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक टू फाइनेंस एयर इंडिया ओल्ड डेप्ट, वेदांता टाइड अप 8000 करोड़ फैसिलिटी विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू टेक ओवर सिंडिकेटेड फैसिलिटी, SBI लॉन्च सूर्य शक्ति सेल इन पार्टनरशिप विद द टाटा पावर सोलर सिस्टम, एक्जिम बैंक साइंड $500 million LOC लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद श्रीलंका, ICICI बैंक रेस टेक इन IICC एट गिफ्ट IFSC सिटी टू 9.9%, एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर विद ICICI लंबार्ड Lombard to offer cyber insurance solution, LIC tied up with the Policy Bazaar for the digital distribution of life insurance product, Kotak General Insurance partner with the Car24 to provide a motor insurance for the used car। So ये कुछ important budget highlight है जो कि आप video को pause करके पढ़ सकते हो। कुछ important one मैंने यहाँ पे mention किए, और भी जो important budget related questions रहेंगे ना उसका एक मैं अलग से session आप लोगों को provide करूँगी। जो भी important budget के questions exam में पूछे जा सकते हैं उसके लिए एक आपको अलग से session provide किया जाएगा। But ये कुछ important one थे मैंने यहाँ पे mention किए, आप video को pause कीजिए और एक बार overlook कर लीजिए। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, among the following has been appointed as a chairman staff selection commission। So SSC के जो chairman बने हैं वो है S Kishore। option A इस question का correct answer हो जाएगा। इसके बाद कुछ important recent appointments है जिसकी आप देख सकते हो, Lieutenant General JVA Reddy appointed as a head of the Defence Intelligence Agency। Okay, next है Madan Mohan Tripathi named as a Director General of the National Institute of Electronics and Information Technology। So Director DG बने हैं NIELIT के, कौन बने हैं, मदन मोहन त्रिपाठी। उसके बाद गेम्स 24/7 अपॉइंटेड एज अ ऋतिक रोशन एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रमी सर्कल। ठीक है, सो रमी सर्कल के जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो है ऋतिक रोशन, और इनको किनने अपॉइंट किया, गेम्स 24/7 ने। सोनाली सिंह अपॉइंटेड एज अ 26th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो ये 26th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है सोनाली सिंह। इसके बाद है रवि मित्तल अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो रवि मित्तल अपॉइंट हुए हैं चेयरपर्सन, न्यू चेयरपर्सन बने हैं ये IBBI के। ओके, नेक्स्ट है जी श्रीवासा मूर्ति अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो जी श्रीनिवासा मूर्ति जो है वो बने हैं डायरेक्टर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के। एम जगदीश कुमार अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के, न्यू चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। देन राहुल भाटिया बने हैं MG ऑफ इंडिगो। देन है शांति श्री पंडित जो बने वो फर्स्ट वुमेन है वाइस चांसलर ऑफ JNU की, सबसे पहली वाइस चांसलर बनी है वो शांति श्री पंडित। देन है उर्जित पटेल जिन्होंने रिज़ाइन किया है, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया, मतलब ब्रिटानिया के वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022। तो इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इमेज डाली है, उसमें भी मेंशन किया है 2 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी, अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जो है फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज मैंने मेंशन किए विद थीम। सो ये सारे अगर आप डेज ध्यान में रख लेते हो, अगर आपको कोई फेब का डे पूछा जाता है तो इन
से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये सारे इस मैंने डेज यहाँ पे मेंशन किए हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट वीक्स जो थी वो भी मेंशन की है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसे रीड कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेब 2022 अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स हु हैज बिकम एशिया रिचेस्ट पर्सन। आंसर हो जाएगा गौतम अदानी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन 7th of Feb गौतम अदानी जो है उन्होंने मुकेश अंबानी को सरप्राइज किया है 88.5 बिलियन डॉलर जो है उनका नेटवर्थ के साथ। एंड मुकेश अंबानी का जो था उस टाइम पे वो था 87.9 बिलियन डॉलर। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एट मुंशीताल इन हैदराबाद, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टैचू। तो स्टैचू का हाइट पूछा जा रहा है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया, हैदराबाद में मुंशीताल में। सो उसका हाइट है 216। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द हिलाल ए पाकिस्तान द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री। कंट्री का सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, जो कि किसे दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ये फाउंडर है बिल गेट्स, इन्हें हिलाल ए पाकिस्तान ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है दिया गया। अब इनको ये क्यों दिया गया, इन्होंने जो है पाकिस्तान में जो पोलियो है उसको हटाने के लिए काफ़ी सारी मदद की इसलिए। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग मेल इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। सो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया इन सपोर्टिंग रोल की बात की जा रही है वो है लारा दत्ता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो वो शेरशाह को दिया गया, बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो वो रणवीर सिंह है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो वो कृति सनन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो लारा दत्ता को ये अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, तो उनको उन्होंने रोल किया था कौन सी मूवी में, बेल बॉटम, ये ध्यान में रखना होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, बेल बॉटम में उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया था इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो रिसेंटली दिए गए उसी के साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। सबसे पहला था नीना गुप्ता ने रिसीव किया है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन फॉर 2021। सो नीना गुप्ता को जो है रामानुजन प्राइज मिला गया है यंग मैथमेटिशियन फॉर द ईयर 2021। इसके बाद है नितिन गडकरी रिसीव 18th लेट माधवराव लिमये अवार्ड अंडर इफिशियंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैटेगरी। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी जो है उनको 18th लेट माधवराव लिमये अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, उसके बाद अटल टनल रिकॉग्नाइज एज अ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सो अटल टनल को ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया कि वो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबाउट 10,000 फीट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा। एंड इसके अलावा ऋषभ पंत जो है उन्होंने ESPN क्रिकेट इन्फो टेस्ट बैटलिंग अवार्ड जीता है। एंड केल विलियमसन की बात की जाए तो उन्होंने कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर LEED, जिसका फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग इन 2021 इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट। सो इंडिया का रैंक हमें पूछा जा रहा है, इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड रैंक है। इंडिया इज रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड फॉर LEED सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग इन 2021। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात की जाए उसमें इंडिया का रैंक 43rd है और US ने यहाँ पर टॉप किया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉप प्लान टू एस्टैब्लिश इट्स लार्जेस्ट इंडिया डेटा सेंटर रीजन इन विच सिटी। सो माइक्रोसॉफ्ट कॉप ने जो है एस्टैब्लिश किया है लार्जेस्ट इंडिया डेटा सेंटर हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट फेज जो है वो ऑपरेशनल होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है बाई 2025। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विथ विच कंट्री इन इंडिया कंडक्टिंग अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्डियन 2022 इन कर्नाटका। आंसर हो जाएगा इसका जापान। सो इंडिया जो है जापान के साथ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स धर्मा गार्डियन 2022 कर्नाटका में जो है कंडक्ट करवाएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनिवर्सिटी हैज़ वन द डिजिटल इनोवेशन ईयर अवार्ड एट द टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021। सो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने डिजिटल इनोवेशन ईयर अवार्ड जो है वो जीता है एट द
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021। सो वो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो अब हम पढ़ेंगे हमारी इंपॉर्टेंट कुछ बुलेट न्यूज़ को। अभी तक के हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया, आई होप आपको सारे एमसीक्यूज जो है जो भी हमने डिस्कस किए वो समझ आए होंगे। अब आप लोगों को बुलेट न्यूज़ देखनी होगी जो कि क्विकली होगी, तो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक के देखना है, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है हमने कलेक्ट किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। सो आपको कंटिन्यू देखना है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी सबसे पहले आज की न्यूज़। पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनेबल इट्स इलेक्शन मैस्कॉट नेम शेरा। सो पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उन्होंने इलेक्शन मैस्कॉट शेरा को जो है वो अनवील किया है। नेक्स्ट है गांधी मंदिरम स्मृति वनम बिल्ट एट श्रीकुलम इन आंध्र प्रदेश। सो गांधी मंदिरम स्मृति वनम जो है उसका निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश में। ओके नेक्स्ट होगा IIT हैदराबाद विल सेट अप सुजुकी इनोवेशन सेंटर ऑन इट्स कैंपस। सो IIT हैदराबाद अपने कैंपस में सुजुकी इनोवेशन सेंटर को जो है सेटअप करेगा। नेक्स्ट है सूरत विल बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। तो सूरत जो है वो पहला स्टेशन है जो कि रेडी हो चुका है इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना फॉर लैंडलेस लेबरर लॉन्च इन छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ में जो है न्यू स्कीम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है वो लॉन्च की गई फॉर द लैंडलेस लेबरर्स। नेक्स्ट है कर्नाटका साइन MOU विद एथर एनर्जी टू एस्टैब्लिश 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। सो कर्नाटका ने किसके साथ MOU साइन किया है? एथर एनर्जी के साथ, जिसके तहत वो एस्टैब्लिश करेंगे 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड एज अ बेस टैबलू अमंग स्टेट UT एट रिपब्लिक डे परेड 2022। सो 2022 का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसमें उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया गया एज अ बेस टैबलू अमंग ऑल द स्टेट्स एंड UT, और उसका जो थीम था वो था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्लैप क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्ना स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम। सो आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा सैमसंग सरपास इंटेल टू बिकम वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। सो सैमसंग ने इंटेल को क्या किया है? सरपास किया है और वो बन गया है वर्ल्ड का टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी 2021 का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा सोनी बॉट गेम डेवलपर बुगी फॉर $3.6 बिलियन। सो सोनी ने खरीद लिया है गेम डेवलपर बुगी को फॉर $3.6 बिलियन रुपीज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इंटू नेचुरल गैस स्टार्टेड बाई गेल इन इंदौर मध्य प्रदेश। सो इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि हाइड्रोजन को जो है नेचुरल गैस में क्या करेगा, मिक्स करेगा, और ये किसने स्टार्ट किया है? गेल ने स्टार्ट किया है इन इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न। ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है न्यूली रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न में। ओके नेक्स्ट है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम डिक्लेयर एज इंडियाज फर्स्ट OECM दैट इज अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट। सो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है गुरुग्राम का वो डिक्लेयर किया गया एज अ फर्स्ट OECM। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखना होगा, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट। नेक्स्ट है HPCL लॉन्च नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप। सो HPCL ने लॉन्च किया है नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर जिसका नाम है हैप्पी शॉप। नेक्स्ट है स्पूतक गस्टो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये वार्षिक उत्सव है जो 30 और 31 जनवरी को लेह लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारा मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो मांडू फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है टाटा स्काई रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ टाटा प्ले। सो टाटा स्काई अभी रीब्रांड हो चुका है, अब वो एज अ टाटा प्ले रहेगा। ओके ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है वो है तोरग्या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एट तवांग मोनास्ट्री। सो तोरग्या फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनास्ट्री में जो है मनाया गया। नेक्स्ट है दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। सो दुबई जो है वो लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। नाटो चीफ जेन्स स्टोलनबर्ग अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ नॉर्वे सेंट्रल बैंक। सो नाटो के जो चीफ है
जीन स्टोलनबर्ग वो अपॉइंट हुए एज अ नॉर्वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर। नेक्स्ट है कनाडा अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव कोविड 19 वैक्सीन। सो कनाडा अप्रूव किया है फर्स्ट प्लांट डिराइव कोविड 19 वैक्सीन को। नेक्स्ट है आसाम बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है आसाम पहला स्टेट बन चुका है जो कि लॉन्च किया नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड किसान ड्रोन यात्रा एंड फ्लैग ऑफ 100 किसान ड्रोन टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन फार्म। सो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है किसान ड्रोन यात्रा को एंड जिसके तहत 100 किसान ड्रोन फ्लैग को जो है वो भेजा गया एंड उसके थ्रू फार्म में जो है पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया। नेक्स्ट है आईआईटी हैदराबाद लॉन्च फर्स्ट एआई बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज नेम स्वराजबिलिटी। सो आईआईटी हैदराबाद है जिन्होंने पहला फर्स्ट एआई बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारा, रिलायंस जियो विल लॉन्च इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम इन मालदीव्स। सो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम मालदीव्स में। नेक्स्ट, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर इन बिहार। सो नितिन गडकरी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 5 किलोमीटर का लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर गंगा रिवर बिहार में। नेक्स्ट है डाबर इंडिया बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। सो पहला वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो इनॉग्रेट किया है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 550 टन कैपेसिटी बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन इन इंदौर। सो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 550 टन कैपेसिटी का बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन इंदौर में। आईएसए बैंगलोर कमीशन सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा हैविंग सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 3.3 पेटाफ्लॉप। सो आईएसए बैंगलोर जो है उन्होंने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा जो है उसे क्या किया है, कमीशन किया है, जिसका कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट है हमारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर रिलीज सिग्नेचर ट्यून ऑफ वंदे भारतम कंपोज बाय रिकी केज एंड बिकराम घोष। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कल्चर के जिन्होंने रिलीज किया है सिग्नेचर ट्यून वंदे भारतम जो कि कंपोज किया गया रिकी केज एंड बिकराम घोष द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे एंड भेल कमीशन इंडिया फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट 1.7 मेगावाट एट बीना MP। इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे और भेल ने जो है फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट को जो है कमीशन किया है जो कि 1.7 मेगावाट का है एट बीना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नीति आयोग इन एसोसिएशन विद फोन पे लॉन्च अ फिनटेक ओपन हैकेथॉन। सो नीति आयोग ने किसके साथ एसोसिएट किया है? फोन पे के साथ। और क्या लॉन्च किया है? फिनटेक ओपन हैकेथॉन को। नेक्स्ट है पॉल हेनरी सैंडोगो डिक्लेयर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बर्किना फासो। सो बर्किना फासो के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पॉल हेनरी सैंडोगो। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, WHO लॉन्च क्विट टबैको एप्लीकेशन टू हेल्प पीपल इन टबैको कंजम्पशन। सो WHO ने क्या लॉन्च किया है? एक क्विट टबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसके तहत वो लोगों को मदद करेगा टबैको कंजम्पशन के एंड करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, नेपाल विल बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज UPI प्लेटफॉर्म। सो इंडिया का जो UPI प्लेटफॉर्म है वो नेपाल जो है पहला कंट्री बन चुका है जो कि उसको डिप्लॉय करेगा, मतलब उसको स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है नाबार्ड लॉन्च जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। सो नाबार्ड ने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम जिसके तहत जो है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है जेपी मॉर्गन बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट बैंक टू सेट अप शॉप इन द मेटावर्स। जेपी मॉर्गन जो है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट बैंक बन चुका है जो कि शॉप जो है मेटावर्स में सेटअप करेगा। नेक्स्ट है शाहरुख खान अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी जो कि बनी है खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार के, ठीक है। उसके बाद टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा जो बनी है वो बनी है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद दिशा पटनी जो है वो बनी है बाटा की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है अक्षय कुमार अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमिताभ बच्चन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बड़ी। पंकज त्रिपाठी अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर ऑफ कृषि नेटवर्क। नेक्स्ट है UNEP साइन MOU विद महाराष्ट्र सेट अप माझी वसुंधरा कैंपियन। सो माझी वसुंधरा कैंपियन को सपोर्ट करने के लिए UNEP ने जो है MOU साइन किया है महाराष्ट्र के साथ। ओके,
इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड द कंट्री इन यूएई. इंडिया अपना पहला आईआईटी आउटसाइड सेटअप कर रहा है इंडिया के बाहर. कहाँ पर? यूएई में. इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान में रखना होगा. सो यहाँ पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो कवर अप होती है. इसके अलावा कुछ और 3 स्लाइड्स में मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किए, उसमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो. सबसे पहला है सेंट्रल अप्रूव रिनेमिंग ऑफ 3 प्लेसेस इन मध्य प्रदेश. होशंगाबाद नगर रिनेम एज अ नर्मदापुरम, शिवपुरी रिनेम एज अ कुदेश्वर धाम, एंड बबाई रिनेम एज अ माखन नगर. सो ये 3 जो मध्य प्रदेश के प्लेसेस है जिसे रिनेम किया गया है वो आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, इंडिया नेपाल ने एमओयू साइन किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरेबल ब्रिज ओवर द महाकाली रिवर इन धारचूला. इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान में रखना होगा. इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च इन आईआईटी धारवाड़. आईआईटी रुड़की लॉन्च किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रीजनल फार्मर्स ऑफ हरिद्वार उत्तराखंड. सो आईआईटी रुड़की ने क्या है, किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है. किसके लिए? जो उस रीजन के जो फार्मर्स हैं उन लोगों के लिए, हरिद्वार उत्तराखंड के जो फार्मर्स हैं उन लोगों के लिए. देन IBM लॉन्च अ न्यू साइबर सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु टू एड्रेस साइबर अटैक. इंडिया फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च इन महाराष्ट्र. सो इंडिया का फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी है जो कि महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है. J&K गवर्नर लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्यूआर बेस्ड मैकेनिज्म टू सर्टिफाई एंड लेबल होममेड कार्पेट ऑफ जम्मू कश्मीर. सो होममेड कार्पेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो पहले बन चुके हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्यूआर बेस्ड मैकेनिज्म सर्टिफिकेशन उन्हें दिया गया है जम्मू कश्मीर के गवर्नर द्वारा. कर्नाटक डेवलप नाना शाये नाना कोडुगे ऐप टू हेल्प इन एड्रेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल. सो कर्नाटक ने डेवलप किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है नाना शाये नाना कोडुगे एप्लीकेशन, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट स्कूल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मदद किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट है सोनाटा सॉफ्टवेयर पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर इट्स लॉन्च ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड. सोनाटा ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है. RPF लॉन्च ऑपरेशन आहत टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी इनॉग्रेटेड मध्य प्रदेश. अगेन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया. J&K बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम इंटीग्रेटेड विद NSWS. नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च परे शिक्षालय एंड ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम. सो ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम कौन लॉन्च कर रहा है? वेस्ट बंगाल लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है परे शिक्षालय. कंचोट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर द्वारा. इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है टेक अ ब्रेक कैंपेन, जिसके तहत वो एनकरेज करेगा सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के लिए. इंडिया रिप्लेस कर रहा है डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2024. गवर्नमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनॉग्रेट किया है स्माइल स्कीम को. गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया 24 करोड़ रुपीज फॉर क्लीनिंग गोमती रिवर टू बूस्ट इंडो बांग्ला वाटरवे प्रोजेक्ट. गवर्नमेंट ने अगेन सैंक्शन किया है 2.26 करोड़ रुपीज फॉर द मेदाराम जतरा फेस्टिवल तेलंगाना में. ओके, उसके अलावा लास्ट पेज हमारा ये, दिल्ली पुलिस बिकम द फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स टू लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस. उसके बाद लेह ने लॉन्च किया है कंस्यूम योजना फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. सिडबी ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया. गुजरात ने अनाउंस किया है न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर 2022 से 2027 के लिए. कोल इंडिया लिमिटेड जो है उनने जीता है मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड. तमिलनाडु ने ओवरटेक किया है कर्नाटका को टू बिकम द टॉप स्टेट इन ओवरऑल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी. इंडिया एंड फ्रांस ने जो है साइन किया है रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस. नेक्स्ट है जापान इंटरनेशनल एजेंसी अप्रूव 1,000 करोड़ रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट इन पुणे. सो JICA जो है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, उसने पुणे में 1,000 करोड़ रुपीज रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट के लिए जो है वो अप्रूव की है. सो ये थे हमारे आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ MCQs को आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया. उसके साथ जो इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की. उसी के साथ आज हमने कुछ न्यू किया है जो कि मैंने आप लोगों के साथ बुलेट न्यूज़ को डिस्कस किया, मतलब कि क्विकली हमने जो इंपॉर्टेंट फेब्रुवरी की और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस की. आई होप आप लोगों को ये जो हमने न्यू स्टार्ट किया है वो समझ आया होगा एंड वो पसंद भी आया होगा. अगर आप चाहते हो कि आने वाले सेशन में इसी वे में हम मार्च का भी करंट अफेयर का सेशन लाए तो आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा. इससे पहले एक फेब्रुवरी का करंट अफेयर का सेशन भी प्रोवाइड किया है. सो अगर आप वो नहीं देखा होगा तो आप वो भी जाकर देख सकते हो. आने वाले डेज में आप लोगों को मार्च का जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा और कनेक्टेड आप तभी रह पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे. तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.